दोस्तों, आज के इंटरनेट और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के आगे लोग खेती बाड़ी को भूल से गए। लेकिन चाहे वो इंटरनेट हो या फिर बड़ी बड़ी इमारतों वाली इकोनॉमी क्यों ना हो, खेती इन सब की नींव है। क्योंकि जब तक खेती बड़े लेवल पर नहीं होगी और अनाज खूब सारा नहीं उगेगा, तब तक एक पीढ़ी हमेशा खाने के पीछे ही भागेगी। और आज के इस जमाने में बंपर खेती करने का सबसे बड़ा जरिया है अच्छी क्वालिटी वाले बीज और यूरिया। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि किसी भी पौधे को उगाने के लिए सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों से पौधे अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ना तो पानी से मिल सकते हैं और ना ही सूरज से। ये चीजें मिलती है मिट्टी से, और इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, क्योंकि इसी से कोई पेड़ ग्रो करता है। इसलिए जमीन में जब नाइट्रोजन की कमी होती है तब पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। वैसे तो एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें और ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जो जड़ों के रास्ते से हमारे पेड़ों में जाता है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए खेती को और बेहतर करने के लिए यूरिया बनाया गया है। जब यूरिया को खेत में डाला जाता है तब मिट्टी इसे नाइट्रोजन में देती है और इससे प्लांट्स की नाइट्रोजन की जरूरत पूरी हो जाती है। इसीलिए आज की खेती में यूरिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खेतों की पैदावार बढ़ाने वाली है यूरिया अगर फैक्ट्री में बनाई कैसे जाती है, और इंडिया में खेती को इस खाद ने कैसे बदल कर रख दिया। यूरिया को सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेर रुएल ने खोजा था, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से यूरिया बनाने का क्रेडिट जर्मन वैज्ञानिक वोलार को जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरिया कैसे तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया बनाने के लिए सबसे पहले जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं। इंडिया में अभी सिर्फ 20% यूरिया इम्पोर्ट किया जाता है, बाकी 80% यूरिया लगभग भारत में ही प्रोड्यूस कर लिया जाता है। फैक्ट्री में यूरिया बनने का काम 3 स्टेजेस में पूरा होता है। पहली स्टेज में लिक्विड यूरिया तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, और उस नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से जमीन के अंदर की नेचुरल गैसेस से निकाला जाता है। इसके बाद इस नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ एक बड़े से सिंथेसाइजर में प्रोसेस कराकर अमोनिया बनाया जाता है। ये जो अमोनिया गैस हमें मिलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी नेचुरल गैस से लिया जा सकता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से लिक्विड अमोनियम कार्बामाइड और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। इस हीट को भी आगे की प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। यहाँ और यूरिया बनाने की पहली स्टेज खत्म होती है। सेकंड स्टेज में लिक्विड अमोनियम कार्बामाइड में और ज्यादा टेम्परेचर ऐड करते हैं ताकि उससे पानी को अलग कर दिया जाए और जितना हो सके सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट हमें मिल पाए। आपने कभी देखा होगा कि यूरिया बहुत ही बारीक दाने जैसे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अमाउंट में इतने छोटे दाने कैसे बनाए जाते होंगे। दरअसल इन्हें एक बड़े ही कूलिंग टावर के अंदर बनाया जाता है। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े टावर्स असल में चिमनी होते हैं, जिसकी मदद से गर्म गैस ठंडी होकर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। क्योंकि गर्म गैसेस को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीधे नहीं छोड़ा जा सकता है, उसको ठंडा करके ही एनवायरनमेंट में छोड़ना होता है। तो सेम प्रोसेस के लिए लंबी लंबी चिमनियां लगाई जाती हैं ताकि ऊपर जाते वक्त वेपर ठंडी होकर बाहर निकले। लेकिन यूरिया के केस में कूलिंग टावर का काम उल्टा होता है। इसमें ऊपर से अमोनियम कार्बामाइड स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाएं पास की जाती हैं, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अमोनियम कार्बामाइड क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसके छोटे छोटे मोती जैसे बॉल्स तैयार हो जाते हैं और टावर के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। अब एक बड़े से ब्लेड की सहायता से इन सारे बॉल्स को इकट्ठा किया जाता है और एक कन्वेयर के ऊपर से पास किया जाता है। अब यहाँ पर आता है हमारा दूसरा प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया। आजकल मार्केट में नीम कोटेड यूरिया मिलने लगा है। दरअसल यूरिया पर नीम कोटिंग करने का सबसे मेन रीजन था यूरिया सब्सिडी का मिसयूज होना। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ही सरकार यूरिया पर फार्मर्स को सब्सिडी देता है, जिसे केवल 270 से 280 रुपए में किसान को 5G यूरिया का बैग मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे कमर्शियल इंडस्ट्री ने भी धोखाधड़ी से सब्सिडी वाले यूरिया को दूसरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उनको तो खूब प्रॉफिट हुआ लेकिन सब्सिडी का अननेसेसरी बर्डन सीधे गवर्नमेंट पर आने लगा। यूरिया का कमर्शियल यूज ना हो पाए इसी वजह से उसके ऊपर नीम का स्प्रे किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो नीम स्प्रे के बाद यूरिया दूसरे किसी प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते, और दूसरा नीम अगर जमीन के अंदर जाता है तो जो भी खतरनाक कीट होते हैं जो प्लांट को खराब कर सकते हैं वो प्लांट के पास नहीं आते हैं। इस वजह से यूरिया के दाने पर नीम का स्प्रे कर दिया जाता है और फिर 5 kg का वजन करके यूरिया को पैक करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अनुसार देश में यूरिया का कंजप्शन 2015 से 2016 में
29.95 मिलियन टन था, जो 2018-19 में बढ़कर 31.55 मिलियन टन पहुंच गया है। जाते जाते आइए जान लीजिए कि यूरिया के खेतों में अप्लाई कैसे किया जाता है। आप देखते होंगे कि ज्यादातर आजकल किसान जमीन के ऊपर ही उसे फेंक देते हैं और तुरंत ही खेतों में पानी डाल देते हैं, लेकिन ये एकदम गलत प्रोसेस है। इसे यूज करने से यूरिया का पूरा रोल ही खत्म हो जाता है। जैसे ही यूरिया पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, वो वापस से अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैस आसानी से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। वो हमें नहीं चाहिए, इसके लिए हमें करना चाहिए कि एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें यूरिया डालना चाहिए, प्लांट या सीड के ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के बाजू में। ध्यान रहे कि यूरिया को एकदम बीज के साथ भी नहीं देना है। एक बार गड्ढे में भरने के बाद यूरिया पर थोड़ी मिट्टी डालकर उसे बंद कर दीजिए और फिर उसके ऊपर पानी अप्लाई कीजिए। इससे होगा ये कि इससे गैस सॉइल के अंदर ट्रैप हो जाएगी और पौधों की जड़ें आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर पाएंगी। एक और बात का ध्यान देना होता है कि ज्यादा अमाउंट में और बार बार इस्तेमाल करने से प्लांट की पत्तियां जल जाती हैं और हो सकता है कि जड़ों का डेवलपमेंट भी रुक जाए। वैसे क्या आपको पता है कि हमारे देश में कैसे इस यूरिया और इसके साथ इस्तेमाल होने वाले बीजों ने देश में खेती किसानी की दिशा ही बदल दी थी। असल में साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब देश में भुखमरी जैसे हालात थे। 1947 से कुछ साल पहले बंगाल भीषण अकाल से जूझ रहा था और इसमें 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हालात ये थे कि गेहूं चावल जैसे बेसिक फूड के लिए भी हमें विदेशी मदद लेनी पड़ रही थी। इसीलिए आजादी के बाद से भारत सरकार ने भुखमरी, गरीबी और मैल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करने पर पूरा ध्यान दिया। 1947 तक खेती का लगभग 10% क्षेत्र में ही इरिगेशन अवेलेबल था और NPK उर्वरकों का एवरेज इस्तेमाल 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर से भी कम था और गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। ऐसे में देश के 30 करोड़ पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना इम्पॉसिबल था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एग्री प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार रिसर्च किए जा रहे थे, तब प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति डेवलप की, लेकिन भारत में एग्रीकल्चरल क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 1960s में जब भारत में फिर से अकाल जैसे हालत बनने लगे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाए, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYV कहा जाता था, लेकिन देश पहले से ही अकाली जैसे हालात से जूझ रहा था। ऐसे में डायरेक्ट नए सीड को खेतों में यूज करने का रिस्क देश नहीं उठा सकता था, इसीलिए सबसे पहले HYV सीड को साल 1960 के दौरान 7 स्टेट्स के 7 जिलों में एक्सपेरिमेंट किया गया। इस प्रोग्राम को इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट IDP का नाम दिया गया और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, तब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम शुरू की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन में अनाज उगाने के लिए पारंपरिक बीजों की जगह उन्नत किस्म के बीजों का यूज को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ सरकार ने सिंचाई और उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के ही प्रभाव के कारण भारत अनाज प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बना और साल 1968 में गेहूं का प्रोडक्शन 170 लाख तक हो गया, जो कि उस टाइम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रिकॉर्ड था। उसके बाद के सालों में प्रोडक्शन लगातार बढ़ने लगा। ग्रीन रेवोल्यूशन ही था जिसकी वजह से भारत के रूरल समाज में बड़े लेवल पर बदलाव हुए, सोसाइटी प्रोग्रेस करने लगी और अब खेती अनाज उगाना न सिर्फ पेट भरने का साधन था, बल्कि सरप्लस प्रोडक्शन से ये रूरल सोसाइटी की इनकम का भी एक साधन बन गया, जिससे वहाँ का सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट तेजी से होने लगा। तो ये था यूरिया बनने का पूरा प्रोसेस। अगर कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम वीडियो बना देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।